नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजखेड़ा का बड़ा बयान सामने आया, जेजेपी से गठबंधन तोड़ना हरियाणा के हित में है। उन्होंने कहा सुरजखेड़ा ने ये तमाम बातें कही। ये बड़ा अपडेट है, नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजखेड़ा का बड़ा बयान सामने आया। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम, जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर ये एक बड़ा बयान और सामने आया है हरियाणा से ही। आपको बता दें कि नरवाना से जेजेपी के विधायक रामनिवास सुरजखेड़ा ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ना हरियाणा के हित में है। इस वक्त का अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं। जींद से हमारे साथी प्रदीप इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजखेड़ा ने ये बड़ी बात कही आज, जबकि तमाम सरगर्मियां तेज हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के भविष्य को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ देना ही हरियाणा के भविष्य के लिए बेहतर है। ये तमाम बातें उन्होंने कब कही, किस तरह कही प्रदीप? जी बिल्कुल, उन्होंने फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि जेजेपी के साथ बीजेपी या गठबंधन ना रहे, और वो पहले भी अपनी प्रतिक्रिया कई बार दे चुके हैं। वो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है वो काम नहीं करवाना चाहते नरवाना का, और जो सीएम मनोहर लाल है वो नरवाना हल्के का काम करवाना चाहते हैं। इस बीच वो कई बार अपने बयानबाजी करते नजर आए, और अब उन्होंने खुले मंच से कह दिया है कि जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है वो नहीं रहना चाहिए। और इसमें बड़ी बात यह है कि जेजेपी पार्टी के वो हाल फिलहाल विधायक हैं, जेजेपी पार्टी के विधायक का और अपने ही पार्टी कैडर के लिए ऐसे बोलना एक बड़ी बात अहम बात हो सकती है, क्योंकि देखिए वो कितने नाराज इस पार्टी से होंगे जो साफ कर रहे हैं कि ऐसे में गठबंधन टूट जाना चाहिए, इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप समझ सकते हैं, जनता समझ सकती है कि बड़ी बात है अपने आप में जेजेपी के विधायक होते हुए और ऐसी प्रतिक्रिया देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी पहले दादा गौतम, आप सुरजखेड़ा, ये तमाम लोग इससे इस कदर नाराज कैसे हैं प्रदीप? आखिर देखिए गौतम है जो हमेशा से ही प्रतिक्रिया देते आए हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनके हलके का विकास नहीं हुआ, उसी तरह पर भी जेजेपी के दूसरे नेता है ये रामनिवास सुरजखेड़ा, उन्होंने भी जानकारी दी है कि किया जा रहा। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। फिलहाल आपको ये तमाम सरगर्मी हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जेजेपी के सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है, जेजेपी विधायक आज चंडीगढ़ में मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। दुष्यंत चौटाला ने कल रात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। बीजेपी ने जेजेपी की डिमांड नहीं मानी है और जेजेपी एक रैली करके अब अपना रुख साफ करेगी। तो जेजेपी एक रैली करके अब अपना रुख साफ करेगी, ये बड़ा अपडेट आपको जेजेपी के सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। आज होने वाली चंडीगढ़ की मीटिंग में जेजेपी के विधायक शामिल नहीं होंगे। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए आज की इस बड़ी सियासी खबर पर। जितेंद्र, बहुत कुछ हो रहा है आज सुबह से लेकर अब तक बीजेपी जेजेपी गठबंधन के दरमियान। अब खबर यह है कि क्या सामूहिक इस्तीफा मंत्रिमंडल का हो जाएगा जल्द? फिलहाल क्या कुछ चल रहा है जितेंद्र, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए बिल्कुल मुमताज, इस वक्त अगर हम बात करें हरियाणा की, जो सरगर्मियां हैं वो गठबंधन को लेकर के बहुत तेजी से बढ़ चली हैं, और इसको लेकर के फिलहाल जो लगातार जो ये कह सकते हैं कि अगले कुछ पलों के अंदर एक नई तस्वीर, एक नई खबर जो है वो हरियाणा से इस वक्त निकल करके आ रही है। अगर हम बात करें गठबंधन को लेकर के, जहां सीट शेयरिंग पर कल तक उम्मीद थी कि चर्चा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चल रहे हैं, तो वहीं आज जो है जननायक जनता पार्टी का साथ छोड़ने की बात यहां पर चल रही है। उसके बाद सामूहिक इस्तीफे की बात यहां पर आ रही है, क्योंकि तीन मंत्री जो हैं वो तीन मंत्री
जननायक जनता पार्टी के हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सभी का इस्तीफा जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा भी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा करके, क्योंकि गठबंधन में जो सरकार है वो बनी है, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की जब सरकार बनती है तो अब नए सिरे से अगर सरकार का गठन निर्दलियों का साथ लेकर के अगर बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो दोबारा से जो पूरे तौर पर जो गठन है वो राज्यपाल के समक्ष जो है वो भेजने का काम किया जाएगा। ऑब्जर्वर्स इसको लेकर के नियुक्त किए गए हैं, तरुण चुग, अर्जुन मुंडा, इसके लिए केंद्र से ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो ये कह सकते हैं कि दोपहर तक जो चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे, साथ ही प्रभारी विप्लव देव भी होंगे। और मुख्यमंत्री को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अभी पूरे तौर पर जो सामूहिक इस्तीफा इसे कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया जाएगा, पूरी कैबिनेट को भंग करने को लेकर के ये इस्तीफा जो है वो रहने वाला है। अब ये देखना है कि किस तरीके से आज जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं वो दोबारा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही जिम्मेदारी दी जाती है या कोई और जिम्मेदारी दी जाती है इस बदले हुए समीकरणों के साथ, ये देखने वाली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। लेकिन जहां तक केंद्र की बात की जाए, कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काम को लेकर के और हरियाणा के भविष्य को लेकर के जो प्रशंसा वो करते हुए नजर आए थे, लेकिन आज जो बदला हुआ समीकरण है, क्या इस बदले हुए समीकरण में कुछ और चेहरा मोहरा भी बदलना होगा गठबंधन तोड़ने के साथ साथ, क्योंकि अब ये प्राय जो है पूरे तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि गठबंधन जो है वो अब हरियाणा के अंदर नहीं रहने वाला है, गठबंधन टूट चुका है। और इसी के साथ साथ जो सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो भी अपना इस्तीफा आपसे कुछ ही देर बाद देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, यही बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हम आपके जरिए। जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे। जितेंद्र, बड़ी खबर दे रहे हम अपने दर्शकों को इस बीच, जिसका जिक्र आपने अभी भी किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे और फिर इसके बाद हरियाणा कैबिनेट की क्या तस्वीर होगी इस पर भी हमारी नजर मुसलसल बनी रहेगी। तो सीएम और दुष्यंत ने अलग अलग बैठक बुलाई है, जितेंद्र चौधरी लगातार बने हुए हमारे स्टेटेड हमारे साथ। जितेंद्र, ये बड़ा अपडेट आपके जरिए मैंने अपने दर्शकों को पहुंचा दिया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत जल्द अब से कुछ ही देर में दे सकते हैं अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा, इसके बाद आगे की तस्वीर क्या हो सकती है जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल आगे की तस्वीर को लेकर के अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ नामों को लेकर के जरूर सोशल मीडिया की चर्चा है, लेकिन अभी तक जो बात है उसके मुताबिक, क्योंकि गठबंधन में सरकार बनाई गई थी और मिलकर के जो सरकार बनाई गई थी वही तमाम जो तकनीकी चीज है वो राज्यपाल के समक्ष थी, अब नए सिरे से सरकार निर्दलियों के सहारे बनाई जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देने के बाद पुनर्गठन जो है वो सरकार का किया जाएगा। अभी तक जो खबरें हैं सिर्फ इतनी ही खबरें हैं, नया चेहरा कौन होगा या फिर किस पर दाव लगाया जा सकता है, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही जो है दोबारा से इस जिम्मेदारी को निर्दलियों के साथ जो है आगे बढ़ाने का जो बीड़ा है वो दिया जाएगा, ये तमाम चीजें अभी जो बैठक होनी है उस बैठक के अंदर ऑब्जर्वर्स के साथ डिस्कस होनी है और प्रभारी विप्लव देव भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ भी डिस्कस होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अभी हम निर्दलियों से चाहे बात करें या फिर भाजपा के विधायकों से बात करें, वो सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अंदर अपना विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं, जो बात दर्शाती है कि हो सकता है कि इस्तीफा तो जरूर हो जाए लेकिन जो भरोसा विधायकों की तरफ से जताया जा रहा है मुख्यमंत्री को लेकर के, निर्दलियों की तरफ से जताया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि दोबारा से जो गठन हो उसमें जो चेहरा है उसे मुख्यमंत्री के तौर पर ही रखा जाए। सोशल मीडिया की जो चर्चाएं इस वक्त जो लोग सोच रहे हैं संजय भाटिया को लेकर के या नायब सैनी को लेकर के, ये तमाम चीजें मीटिंग के उपरांत ही तय होंगी कि दोबारा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही यहां पर रखा जाएगा या फिर कोई नया चेहरा होगा। इस मीटिंग का इंतजार करना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, सभी विधायकों से इसको लेकर के फीडबैक भी लिया जाएगा, कामकाज को लेकर के भी फीडबैक लिया जाएगा और आगे सरकार चलाने में विश्वास को लेकर के भी फीडबैक लिया जाएगा, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधायकों के रहने की फिलहाल लग रही है। अब यह बैठक जब होगी, ऑब्जर्वर सब यहां पहुंचेंगे, अर्जुन मुंडा, तरुण चुग को ऑब्जर्वर बनाया गया है, प्रभारी विप्लव देव भी पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, निर्दलीय विधायक एक फ्लैट के अंदर अलग से बैठक कर रहे हैं, सात निर्दलीय विधायकों की बैठक हो चुकी है, खासतौर से गोपाल कांडा और जो सरकार में मंत्री हैं रणजीत चौटाला वो उस बैठक के अंदर मौजूद थे और लग रहा था कि निर्दलियों के नेता के तौर पर जो भूमिका है वो उनकी देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि अपने आप में कद्दावर नेता हैं दोनों ही और दोनों नेताओं को जो है यहाँ पर खास तौर से ध्यान में रखा जाएगा, सरकार के साथ
गठबंधन जो अब निर्दलियों का जिस तरीके से रहेगा या समर्थन रहेगा निर्दलियों का, उसको ध्यान में रखते हुए जितेंद्र, इस पूरे मामले ने हरियाणा की सियासत को अच्छा खासा दिलचस्प बना दिया। आज जितेंद्र, नायब सैनी और संजय भाटिया, बीजेपी के इन दो बड़े सूबाई चेहरों का जिक्र अभी अचानक से तेज होने लगा है, ये किस तरह की चर्चा इन दोनों नामों को लेकर जितेंद्र? देखिए, जहां तक बात की जाए, दोनों ही नाम जो है वो सांसदों के नाम है। तो नायब सैनी की बात करें या फिर हम दूसरी तरफ संजय भाटिया की बात करें, यकीनन कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की चर्चाएं हैं, और जब इतनी बड़ी खबरें होती हैं तो उसके अंदर कुछ जो चर्चा है वो इस प्रकार की जरूर निकल करके सामने आ जाती है। लेकिन मुमताज, जब तक ये तमाम विधायक बैठ करके एक चर्चा नहीं करते हैं, जब तक ऑब्जर्वर्स से बात नहीं की जाती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस बैठक के अंदर किस प्रकार से मौजूद जो है वो रहेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे या विधायक के तौर पर रहेंगे, ये तमाम चीज़ें अभी कुछ समय के साथ साथ निर्धारित होनी है। हालांकि कुछ सूत्र ऐसे ज़रूर होते हैं जो इस तरीके की जानकारी जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। ऑफिशियली अगर हम बात करें, ऑफिशियली ये बात मुख्यमंत्री के जो है दफ्तर के हवाले से भी अभी नहीं निकल करके आई है कि कोई सामूहिक इस्तीफा होना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सूत्रों से निकल करके ऐसे माहौल में ज़रूर निकल करके आती हैं, जिनके अंदर अगर हम बात करें 80-90% चीज़ें भले ही ठीक होती हों, लेकिन 10% चीज़ें जो हैं उनमें दोबारा से जो है चेक करने की आवश्यकता जरूर रहती है, और इस प्रकार की खबरें जो है वो अफवाह के तौर पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या कोई कंसीडरेशन नए नाम को लेकर के भी है। गठबंधन तो टूटता नजर आ रहा है, और अगर मैं फिलहाल के माहौल में कहूं कि टूट गया है, सूत्रों से ये भी जानकारी है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ये देखना होगा कि किस तरीके से जो बैठक है वो की जाती है, और उस बैठक के अंदर ऑब्जर्वर्स की क्या भूमिका रहती है। जी जितेंद्र, यानी कुल मिलाकर तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है, गठबंधन टूट ही चुका है, बस इसका ऑफिशियल ऐलान जो होता है, बाजाबता जो ऐलान होता है वही होना बाकी है, बाकी तो सब कुछ हो चुका है ऐसा लगता है। देखिए, हम इस वक्त राजभवन पर मौजूद है, और राजभवन से जो इस वक्त जो ये टेंट की जो गाड़ी है वो यहाँ से निकल रही है, हरियाणा राजभवन पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आगे जो तैयारी है, शरद जल्दी तैयारी दिखाएं, आगे जो टेंट लगा हुआ है, अपना कैमरा पूरा ऊपर उठा करके दिखाने का प्रयास करें कि राजभवन में किस तरीके की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वो राजभवन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त खबरें अभी तक के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजभवन पर जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई हैं, और पूरी तैयारी जो है वो राजभवन में देखने के लिए मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तैयारी अपने आप में बहुत कुछ बताती है मुमताज। इस तैयारी के पीछे बहुत सी चीजें हैं, इस तैयारी के पीछे नया मंत्रिमंडल है, इस तैयारी के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। चंद लम्बे के लिए आपको रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर मिल रही है हमें अपने दर्शकों तक, की बड़ी खबर पहुंचा रहे, चंडीगढ़ पहुंच गए पर्यवेक्षक। फिलहाल बीजेपी की तरफ से अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को ऑब्जर्वर बनाकर चंडीगढ़ भेजा गया, उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव भी मौजूद हैं। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या हलचल हो रही है हरियाणा की सियासत में, ये तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, वो चंडीगढ़ पहुंच गए, उनके साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हरियाणा से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ लगातार, हमारे स्टेट हेड जितेंद्र, हर मिनट में हर लम्हे में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पार्टी ने, बीजेपी ने दो ऑब्जर्वर्स बनाए थे, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, वो चंडीगढ़ भी पहुंच गए हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी होगी जितेंद्र? जितेंद्र, आप सुन सकते हैं मुझे? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी साफ है कि जो सरकार की तरफ से जिस तरीके का फैसला सामूहिक इस्तीफे को लेकर के दिया गया है, लिया गया है मुमताज, ऐसी स्थिति में अब नए सिरे से जो सरकार है वो यहाँ पर बनानी है, किसी तरीके का कोई क्राइसिस जो है वो देखने के लिए ना मिले, इस बात को खासतौर से ध्यान में रखा जाएगा, और मजबूत तरीके से सरकार को आगे लेकर के किस प्रकार से चलना है, या फिर अभी जो माहौल बन रहा है उस माहौल के अंदर जो है आगे क्या निर्णय किए जाने चाहिए सरकार को चलाने को लेकर के, लोकसभा चुनाव भी है, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बैठक के उपरांत ही मुमताज सामने निकल करके आएंगी, और बैठक में चर्चा का विषय रहेंगी एजेंडा रहेंगी, और उसी एजेंडे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज आगे आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है। अभी तक सब कयास हैं, सब सूत्रों की बातें हैं, अभी तक केवल
जो चर्चा है गठबंधन टूटने को लेकर के, वो चर्चाएं ही सामने आई है खुल करके। अभी तक कोई ट्वीट सामने नहीं आया है, कोई बात सामने नहीं आई है। लगातार बनी हुई इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक दल की जो बैठक होने जा रही थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो कहां तक पहुंची? क्या उस बैठक से कोई बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है? आपके पास इस हवाले से क्या जानकारी है जितेंद्र? देखिए बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे का समय बताया गया था, हलचलें इस बात को लेकर के भी तेज है कि जो भाजपा विधायक दल की बैठक है वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। और शुरू होने के बाद जो चर्चा है वो पूरे तौर पर यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आएगी, तमाम उन मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो मुद्दे हमारे सूत्रों से, विश्वस्त सूत्रों से खबरें अभी तक ने सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाने का जो काम है वो किया है। तो और हम इस वक्त अगर हम बात करें, हमारी एक यूनिट विधायक दल की बैठक पर मौजूद है और दूसरी यूनिट यानी हम राजभवन पर मौजूद है। अगर यहाँ कोई भी हलचल होती है, जहाँ पर हमने अभी जो टेंट की जो तस्वीरें हैं, जो तैयारी है इस बात की कि कुछ नया यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जो कि आज शाम को ही या कल सुबह अंदर की तस्वीरों के साथ हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, ये 100% हम दिखाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ कुछ वक्त और। जितेंद्र, इस बीच हम अपने दर्शकों तक कुछ और अहम अपडेट भी पहुंचाएंगे। उधर दिल्ली में भी दुष्यंत चौटाला ने अपने आवास पर जेजेपी विधायकों की बैठक बुला रखी है। आखिर क्या होगा? क्या बस ये ऑफिशियल ऐलान होना ही बाकी रह गया है कि टूट गया है गठबंधन? आएंगे जितेंद्र आपके पास, आपने जो खास बातचीत की है हरियाणा के दो कैबिनेट मिनिस्टर्स रणजीत सिंह और कंवरपाल गुर्जर से, वो जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं। निर्दलीय विधायक व सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हमारे साथ हैं और सभी विधायकों के साथ एक फ्लैट में अभी मीटिंग हुई है। सर, मीटिंग को लेकर के सबसे पहले तो क्या मकसद? हालांकि आज सवाल तो आपको भी पता होगा, हम सबसे पहले क्राइसिस में सीएम साहब के साथ आए थे, वो 10 लोग तो बाद में है, पहले हम 7 लोग आए थे, हम उनके साथ हैं, हमारे तब में रब में कोई रिश्ते में फर्क नहीं, हम चट्टान की तरह सीएम साहब के साथ हैं, सब लिख के दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम में एक भी दुर्दर नहीं है, 6 हम इंडिपेंडेंट थे, एक हमारे साथ गोपालकांड है, हम 7 आदमी हैं। जी आप क्या लग रहा है सर, अभी सरकार को लेकर के आपसे कोई बात हुई है मुख्यमंत्री जी की, जैसे निर्दलीय विधायकों से अन्य से हुई है? सबसे हुई है, मेरे से भी हुई है। क्या फीडबैक लिया सर मुख्यमंत्री जी की तरफ? भाई ये कि कैसा है लोकसभा, कैसे रहेगा, कैसे करना चाहिए, आगे सब चल रहा है, सब बातें हो रही है। जननायक जनता पार्टी को लेकर के कोई बात हुई सर? जो बतानी है वो आपको सब हम बता रहे हैं। आपका क्या मत है सर, रहना चाहिए गठबंधन इस मौके पर? देखिए मैंने बताया ना, हम उनके साथ है, सीएम साहब के साथ 7 साथ है, हम 41 से भी ज्यादा मजबूती से उनके साथ है, सरकार चट्टान की तरह, कोई नेता को नहीं छेड़ा जा रहा, वो भी मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र आप बने रहे हमारे साथ, कंवरपाल गुर्जर से भी आपने खास बातचीत की थी, वो भी सुनाएंगे अपने दर्शकों को इस ताजा सियासी सूरतहाल पर।